रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। एगो कहावत कहल जाला कि अगर पेड़ के जड़ में दीमक लग जाए तो ओकर पूरा पेड़ के ही सुखा देवेला। ठीक वही प्रकार देश के नौजवान में बेरोजगारी नाम के दीमक लग गइल बा। नमस्कार रउआ देखतानी भारत लाइव। हमनी के जवन देश में रहिला जा भारत देश युवाओं के देश कहा जाला, बाकी एमे सबसे बड़ समस्या बा बेरोजगारी और एक लम्हर समस्या के का समाधान बा आई जानल जाओ बाबा से। नमस्कार गोर लगातानी खूंटा ठोक में आज हमनी के ऊ विषय लेके हाजिर भूल बन जा जौन विषय देश के सबसे बड़ समस्या और विकराल रूप धर जाता। जी बाबा। दुनिया के सबसे युवा देश भारत जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी एक सपना दिखौले ये देश के युवा समाज के, तो उनका समय संग उनका परिवार के लोग भी जुड़ गई जौन युवा बाड़न। उनका बुझा लगल कि अब हमारा बेटा के हमारा बेटी के हमारा बाल बच्चा लोग के रोजगार मिली और हमार दिन दुनिया सुधरी। और एकरा के लेकर के 2014 में अखमुदा वोट दिहल गई और बुझाइल के देश एक नया पटरी पर आई और एक विकास के अलग कहानी लिखल जाई। लेकिन 2014 से 2019 के बीच में जौन सरकार वादा कैले रहे 2 करोड़ रोजगार देवे के, वो 2 करोड़ का कह जाओ 2 लाख रोजगार देवे में भी सक्षम ना भई। 2014 से 2019 यानी 5 साल के समय जौन युवा लोग के बर्बाद भई और इस तरह पता बा दुनिया के पता बा कि नौकरी खातिर एगो समय सीमा होला, उम्र सीमा निर्धारित पड़ गए। बिल्कुल। उस सीमा के तहत ही कोई आवेदन कर सकेला। ये 5 साल में कितना लोग के उम्र पार कर चुका जौन ए आस में नरेंद्र मोदी जी के वोट दिल रहे, नीतीश कुमार जी के अगुवाई में रहे, बिहार में नीतीश कुमार जी के और केंद्र में मोदी जी के वोट देवे के पीछे कारण रहे कि अब हमनी के समस्या के समाधान हुई, रोजगार मिली, नौकरी मिली और ये देश एक बार फिर ठड़ा गई बा। 5 साल में जितना कमी आई उड़े रोजगार में ओकरा चलते देश 15 साल बैक हो गई बा। एक बात से इनकार ना कर जा सकला जौना के असर अब देखे के मिलत रही। आखिर इस समस्या के मुख्य कारण का बा कि देश दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की तरफ धक्का दे जाता जाए और बेरोजगारी की तरफ बढ़ल जाता एक मुख्य कारण का बा। देखो बेरोजगारी के कारण बहुत सारा बढ़ गए। एकरा पर अगर सरकार के बात कही जाओ तो सरकार के जौन योजना बा वो योजना में कहीं ना कहीं कमी बा। जौन सरकार अपन योजना में घोषणा पत्र में लेके जौन बात आई रहे वो आधार पर लोग चुनाव में वोट दे ले रहे। जौन घोषणा पत्र में सरकार 2014 में कहले रहे लगभग वही बात 2015 में भी रहे। सरकार के तरफ से आंकड़ा सबके पेश किया जाता है लेकिन बेरोजगारी के आंकड़ा पूरी तरह से सही ढंग से पेश नहीं किया जाता और बेरोजगारी पर चर्चा करे खातिर कोई तैयार नहीं है। आरक्षण पर चर्चा होता, 3 तलाक पर खूब जम करके सदन में चर्चा होते हुए कश्मीर के मुद्दा हल होते हुए कश्मीर से 370 गायब हो जाता, 35 से हटा दिया था और इस सब के बाद जो देश के सबसे विकराल समस्या बा ओकरा पर नीतीश कुमार जी भी चुप बाड़न और भी देश के राजनीतिक दल चुप बाड़े और एकरा साथ साथ सबसे बड़ा चुप्पी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बा। याद हुई तरह के 2014 में चूंकि तुम दिल्ली में अपन पत्रकारिता के पढ़ाई करते रहो और पत्रकारिता में जुड़े रहो तरह याद है कि नरेंद्र मोदी जी वादा कैले रहन कि दुनिया भर के देश के हम बुला करके और भारत में उद्योग धंधा लगाए और रोजगार ऐसा फैला दे कि केहू के बिना रोजगार के परेशानी ना हुई। आज स्थिति बा जौन नरेंद्र मोदी जी के वादा रहे कमाई दवाई पढ़ाई ओकरा में कहीं अगर देख ला तो सरकार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाओ। धारा 370 पर अपन पीठ थपथपा ल, 3 तलाक पर पीठ थपथपा ल, लेकिन जो सबसे बड़ समस्या बा बेरोजगारी और देश के महंगाई आर्थिक स्थिति धीरे धीरे देश के घिरल जाते हुए और जौना के लेकर के अपने लोगों को रोकल चाहे कि अगर ठीक बजे जे 70 दिन के अंदर सरकार धारा 35 ए धारा 370 सब कुछ पूरा चर्चा में रहा, 3 तलाक 70 दिन में हो गए, बाकी का कमी रहा कि 4-5 साल में आर्थिक व्यवस्था का सुधार ना कर पाए। देखो कहे के तात्पर्य इतने चीज बोलोगे कि अगर कागज पर कोनो चीज कर लेवे के होके
तो ओकरा में केहू के परेशानी नहीं है। अभी तरह से हम लिखवा दिए पर 1 करोड़ जी बाबा, 1 करोड़ अगर कागज पर लिखे कहीं तो 2 सेकंड तरह लगे, 2 सेकंड के भी 30 सेकंड से भी कमी में तू 1 करोड़ लिख देबू। लेकिन 1 करोड़ तरह मिली थोड़े मिली ना, कागज पर लिखना, कानून बदल देना, कानून बना देना, कानून हटा देना, कानून के जोड़ देना, इस सरकार खातिर आसान काम बुड़ू, एक कानून पर कागज पर लिख देवे बुड़ू, ओकरा पर हस्ताक्षर करवा देवे बा। लेकिन बेरोजगारी जो समस्या बा ओकरा खातिर तहरा लोग के रोजगार पैदा करे के पड़ी, और रोजगार पैदा करे में सरकार कहीं ना कहीं अक्षम बुड़ू है। लेकिन अब बाबा बेरोजगारी पैदा करे खातिर जैसे एगो योजना आई रहे मुद्रा, मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना आई रहे, मुद्रा योजना आई रहे, योजना बहुत सारा बा। नरेंद्र मोदी जी दावा भी कर लेन और आंकड़ा भी पेश कर गए रहे, हम देख ले नहीं टीवी पर आज तक डिबेट जो होते रहे कि जमीन पात्रा भी प्रवक्ता जो बारे में बीजेपी के बता हन कि 10 लाख के आदमी के 10 लाख रुपए प्रोवाइड भी करावल गए बा, जैसे कि रोजगार पैदा हो सकेला। अगर रोजगार पैदा भइल बा, ए देश में बेरोजगारी खत्म हो गइल बा, तो फिर देश में आर्थिक असमानता काहे बा, देश आर्थिक रूप से पिछड़ काहे रहल बड़ूगे। अभी आंकड़ा तरह के लेके आओ तनी कि उद्योग धंधा के जहाँ तक बात करता रू, तो उद्योग धंधा में सबसे सामान्य तरह का उद्योग बताओ तनी कि मोटर वाहन सेक्शन में उठा के देख ल कि रोजगार कमी हो रहा बड़ू है, और हर कंपनी मंदी के दौर से गुजर रहा बड़ी और अपना लोग के अपना कर्मचारी के निकाल रहा बड़ी। एक खातिर अभी हाल फिलहाल में ये भी खबर तू सुन ले हो कि एक रोजगार से माने नौकरी से हटावल युवा आत्महत्या कर ले रहा है, बहुत बहुत बड़ा बात बा। और खास करके उस सरकार खातिर जो सरकार दावा करती है कि हम 130 करोड़ जनता पर ध्यान रख ले बानी, वो सरकार में एक युवा के नौकरी गईला खातिर और मंदी के दौर से गुजरला खातिर अगर आत्महत्या कर लगले तो ये सिलसिला बहुत लंबा हो सकेला। और तो और बाबा पढ़ा लिखा लेकिन दिल्ली में मोमोज बेचते तो फ्रेंच फ्राइज बेचते नजर। एक खबर हमने के आज से 5 दिन पहले देखल रहिया, तरह याद हुई या जनता जे हमने के लगातार देख रहल बा भारत लाइव चैनल, उनका तक हमने के बात पहुंचले रहिया कि 25,000 से ज्यादा एक कंपनी अपन रिपोर्ट दिले रहे, जॉन स्विगी कहला और जोमेटो, ये दिले रहे कि 25,000 ग्रेजुएट, समझ ला ये बात बहुत गौर करे वाला बड़ू है कि ग्रेजुएट ग्रेजुएट लोग और काफी शिक्षित इंजीनियरिंग करके और भी कई क्षेत्र में अच्छा अच्छा करके डिलीवरी बॉय के काम करता है। अगर रुवा लोग भी हम ये बात कह ले रहे कि रुवा लोग भी कोई अगर डिलीवरी करे आवत रुवे कुछ लेके आ रहा बा डिलीवरी करे खाई तो उनका के बैठा करके गिलास पानी दी और पूछी कि बाबू कहाँ तक पढ़ल लिखल बा, रुवा बहुत आश्चर्य हुई और अफसोस भी हुई। अब सबसे बड़ा बात जो तरह सामने रखे जा रहा बनी कि नीलसन एगो कंपनी बुड़ू है जो सर्वे करेला, चुनाव अभी सर्वे देख लगे और भी कई मुद्दा पर सर्वे करेला, सरकार के सर्वे और सब क्षेत्र में हो सकेला लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के क्षेत्र में सरकार के सर्वे सिर्फ मने दिखावटी बुड़ू है। एकरा खातिर अब तरह के सर्वे जो आयल बा उस सर्वे में आ रहा बा कि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार के और खास करके नीतीश कुमार जौन अभी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ बड़न एनडीए के एक अहम अंग बड़न नीतीश कुमार कहती भी ऐसे कि जौन केंद्र में बेरोजगारी के जौन स्थिति बा ओकरा से भयंकर स्थिति बिहार में बा। बिहार में नीतीश कुमार 14 साल से शासन में बड़न और रोजगार पैदा करे में पूरी तरह से अक्षम बड़न। बिहार में 14 साल में एक भी ऐसा कंपनी या फैक्ट्री ना लागल जौन की 10-20 आदमी के रोजगार दे सके, स्थिति बहुत भयावह बा। अब जो आंकड़ा हम तरह के बता रहे बनी वो आंकड़ा बढ़ गए खास करके गारमेंट सेक्टर से, गारमेंट के बाद में बताएं पहले ही क्वेश्चन करो वो आंसर दे दिए अगर बिहार के उठैले बने तो कि आखिर कौन ऐसा कारण बाकी और राज्य के अपेक्षा हमारे बिहार में ही ऐसा राज्य है कैसा बिहार राज्य बा कि जो में निवेशक आवे से डरे ल। बिहार में 2005 से पहले कहल जात रहे कि जंगल राज बा, जंगल राज जिसे लालू के राज, लालू के राज के जंगल राज कहल जात रहे। और ये बात रख करके यही मुद्दा पर बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता स्थापित भई, नीतीश कुमार अइले तो यही आशा पहले कि हम जंगल राज समाप्त कर दे, सुशासन के सरकार बा, विकास पुरुष के नाम से जानल जात रहा जी, इस सारा नाम नीतीश कुमार के मिल पड़ू है। लेकिन विकास अगर सड़क होके तो विकास नहीं है,
अगर सड़क बनत रहे तो साथ साथ सड़क के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास होके चाहिए, रोजगार लगे के चाहिए और नया नया तरह के योजना बने के चाहिए, जौना से कि बिहार कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में ही तू देख ला कि ईख के गुड़ के चीनी के मिल लगातार बंद बा। जौन बिहार पूरे देश के दुनिया के अपन चीनी के मिठास से मुंह मीठा करते रहे, वो बिहार आज चीनी मिल के ध्वस्त भइला से बेगार बुड़ुए, बेकार हो गई बुड़ुए। अभी के स्थिति ये बा कि तरह के बतैले रहे कि किसान लोग अब परेशान इस बात के लेकर के बुड़ुए, कपास उद्योग खास करके नरमी के झेल रहा बुड़ुए, किसान कपास उत्पादन करता रहे खरीदार नहीं मिलत, कारण कि कपड़ा उद्योग भयंकर मंदी के दौर से गुजर रहा है। बतावल जा रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि 34.6% के प्रतिशत के गिरावट आई बढ़ हुए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ हुए। माने तो समझ लो कि 100 आदमी के नौकरी मिले के रहा तो ना में से अगर 37 आदमी के नौकरी नहीं मिलत तो ये देश कहाँ जा रहा है। और ये आंकड़ा पिछला 14 साल के, एक साथ साथ नीलसन के जो तरह के बात बतैले रही, उनका सर्वे में 2010 से 2014 के बीच में 13.3% जो आंकड़ा रहे, वो आंकड़ा 15 से 2018 के बीच में घट करके 9.5% रह गई बा। एक मतलब तो समझ सकल कि कितना तेजी से गिरावट हो रहा बा। अब स्थिति बा कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बहुत बड़ा जो अवसर रहे, जैसे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट रहे, वो सारा मंदी के दौर से गुजर रहा बा। कपड़ा उद्योग के बारे में तरह बता देनी, मोटर वाहन सेक्टर में तरह बता देनी, एक साथ साथ और भी सेक्टर बाहन जौना में जबरदस्त गिरावट आ रहा बा। रोजगार सृजन के स्थिति ये बढ़ुए कि पिछला जून के समाप्त जो तिमाही बढ़ुए, वो तिमाही में जो स्थिति बा वो स्थिति काफ़ी डरावना बढ़ु, काफ़ी भयावह बा। इस सब स्थिति के लेकर के अब सवाल नीतीश कुमार जी पर भी उठी, ऐसे कि 15 साल एक तरफ अगर मान लो तो 5 साल में जो वादा नरेंद्र मोदी के सरकार पूरा कैले रहे, वो वादा पूरा ना भई। एकरा साथ साथ विकास के नाम पर महागठबंधन से हट करके एनडीए में नीतीश कुमार गई रहे, 2 साल हो गई उनका एनडीए में गईला, 2 साल में बिहार के विकास और बिहार पूरी तरह से पिछड़ गई बा। नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं खनाओ, नीतीश कुमार के मुंह पर जिससे बुझाता कि टेप चिपकाओ टेप के रहस्य का बा। एक देखो सबसे बड़ा चीज बुड़ुए कि दो चीज होला, एक तो होला कि तारा अंदर अगर कुछ करे के ललसा होके, ललसा सिर्फ कुर्सी के रह गई बा। इन केन प्रकारे ना देश के जनता के भ्रमित करना, बिहार के जनता के भ्रमित करना और सिर्फ सब्ज बाग दिखाना, धरातल पर कुछ होता और देखे में कुछ मिलत रुए। यह देश के सबसे बड़ा समस्या जो बुड़ुए उस समस्या बा कि बेकारी और बेरोजगारी। इस समस्या के समाधान जब तक ना हुई तब तक लिए देश के विकास संभव नहीं है। खास करके बिहार के बात जब करा तो नीतीश कुमार के चुप्पी बहुत कुछ कह रहा बुड़ुए, और नीतीश कुमार के चुप्पी निश्चित रूप से उनका के हाशिए पर लेके जाता है। जौना नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता रहा, विकास पुरुष के उनका के उपाधि मिल रहा, वो बिहार आज बेरोजगारी के दंश झेल रहा बा। एक लंबा समय से रोजगार के सृजन निके भइल, जौना राज्य में कोई भी नया उद्योगपति आवे से डरता कतराता, उद्योग मंत्री जहाँ तहाँ जाकर के भिखमंगी करता, लेकिन फिर भी बिहार में कोई आवे के तैयार नहीं थे। जमीन बा, जलवायु बा, सब कुछ बा। कहल जाला कि बिहार बहुत ही संपन्न राज्य है, बिहार में एक तरफ जहाँ पानी बा दूसरा तरफ सुखाड़ बा, लेकिन दोनों परेशान कर रहा बुड़ुए बिहार के लोग के। जहाँ एक तरफ पानी से लोग आक्रांत बा, वो एक तरफ सुखाड़ से लोग आक्रांत बुड़ुए। और एक साथ साथ सरकार अभी तक 14 साल में नीतीश कुमार जी ई व्यवस्था तक ना कर पैले कि जहाँ बाढ़ हो रहा बा वजह से पानी सुखाड़ वाला जगह पर ले जा करके, और जहाँ सुखाड़ बा ऊर्जा और दोनों जगह के सामंजस्य स्थापित करके कोई नया उद्योग के सृजन करस। लगातार कहल जा रहा बा कि पानी के जौन स्थिति बा, जल स्रोत हमारा के यहाँ यानी बिहार में अभी ज़्यादा बा, जल से जुड़ल कई गो ऐसा उद्योग बा जौना के शुरू कर जा सकेला, लेकिन सरकार के कोई ध्यान नहीं है। तो बाबा इस समस्या से उभरे के कौन ऐसा राहु समय से का समझ में हुई कि इस समस्या से उभरल जा सकेला? सबसे बड़ा इस समस्या से उभरे के एक एगो
जोन सबसे महत्वपूर्ण बात बा ये बा कि संकल्प जी। संकल्प के साथ ओकरा के जमीन पर ले आवे वाला शक्ति, जब तक दो चीज सरकार में ना हुई तब तक इस समस्या से समाधान बाहर ना निकल सकेला बिहार और देश। एकरा साथ एगो बहुत बड़ा बात बोलू है कि एगो जानकार जो बेहतर ढंग से आर्थिक सर्वे करे वाला बा उनका कहना बा कि सरकार नहीं के चाहत कि वो लोग के रोजगार दे करके और अपन वोट बैंक के खत्म करो, पूरा वोट के राजनीति और कुर्सी के राजनीति में आम व्यक्ति और युवा पर ध्यान नहीं है। शिक्षा के स्थिति से उठा के देख ला या फिर रोजगार के स्थिति देख ला, कृषि के स्थिति देख ला, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं समस्या बढ़ जाता। जॉन मतलब रहुआ कहे के मतलब बाकी अगर समस्या में सुधार हो जाए तो वोट बैंक ही उनका रुक जाए। बिल्कुल, वोट बैंक के राजनीति में पूरा के पूरा समस्या जोन बा बढ़ जाता। काल तक ले जॉन नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम विरोधी मानल जाते रहे, आज उनका राजनीति के दिशा उनका सोच के दिशा पूरा अल्पसंख्यक समाज के तरफ टर्न हो गई बा। और उहे कारण बा तू देख ला कि तीन तलाक जैसा मुद्दा वगैरह वगैरह, हालांकि बहुत बढ़िया सरकार के कदम बा, कानून भी बन गई, लेकिन देश में सिर्फ तीन तलाक धारा 370 ही मुद्दा नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा बा कि देश में युवा रही है, देश के युवा के सबल रही हैं, लोग के संतुष्टि रही कि भाई हम इस देश खातिर काम कर जाता है तो हमारा देश खत्म होके के स्थिति में आ रहा होगा। और इस 5.5 साल में देश में रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय भइल बा और इस देश के युवा आज भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के तरफ बड़ा आशा भरी निगाह से देख रहा बा। भले प्रचार के माध्यम से सरकार कहले कि हमरा से बढ़िया कोई काम ना कर, 70 दिन में अपना पीठ के थपथपा ले केंद्र सरकार, या फिर 2 साल में नीतीश कुमार जी NDA के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ये कहले कि हम बहुत बढ़िया काम करनी, लेकिन काम करे के नीतीश कुमार जी लगे कोई भी ऐसा जवाब नहीं थे जो जवाब वो जनता के बीच में दे सकस, यही से उनका चुप्पी पड़ी। और ये चुप्पी निश्चित रूप से उनका कुर्सी पर असर डाली और आने वाला 2020 के चुनाव अगर विपक्ष मुद्दा आधारित चुनाव लड़ी तो नीतीश कुमार खातिर बहुत मुश्किल होकर ला बढ़ुए। और एक साथ साथ नीतीश कुमार के ही ना अगर मुश्किल हुई तो भारतीय जनता पार्टी खातिर भी मुश्किल हुई। और इन सब के बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा हुई वो निश्चित रूप से इस देश में आर्थिक विकास, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरा आरक्षण भी हमें बहुत बड़ा समस्या हो सकेला जो कि धीरे धीरे अपन पाँव पसार रहा बा। सबसे बड़ा जो पाँव पसार रहा बा नीतीश कुमार जी से प्रश्न पूछे खातिर विपक्ष पूरी तरह से कमर कस ले बा कि नीतीश कुमार जी जवाब दे कि जब महागठबंधन से वो NDA में गई ले तो उनका बहुत तरह के बात कहले रहन और डबल इंजन के सरकार से बिहार के विकास के बात कहले रहन। आज 2 साल में बिहार के विकास कितना भइल बा, कई गो फैक्ट्री लागल, कितना रोजगार के सृजन भइल, कितना महंगाई दूर भइल और ये बिहार जन कुपोषण के और अन्य तरह के शिकार हो रहा बा एक पर प्रश्न जरूर खड़ा हुई। आने वाला 2020 के चुनाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा होखे वाला बा। और एकरा साथ साथ कई कारण लेके आई जौन कारण में नोट करके रख ल हम खुटा ठोक के बात तरह से कहतनी कि महंगाई और बेरोजगारी अब की के चुनाव के सबसे बड़ मुद्दा हुई और युवा खड़ा होकर के नीतीश कुमार से हर बैठक में पूछी हैं, हर मीटिंग में पूछी हैं कि हम बेरोजगार काहे बने। अगर आपके हमनी के खुटा ठोक के शो अच्छा लागल हो तो कमेंट करके बताई जा, और रोगों के पास कोनो खबर हो तो कमेंट करके बताई, वहाँ पर हम बाबा के साथ चर्चा करें जा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।